मुझे कृपया थोड़े लड्डू देंगी? आप ढोलकपुर में नए हो? पहले कभी नहीं देखा। मैं प्रोफेसर इतिमान हूँ। आपके ढोलकपुर में मेरे पूर्वज एक अद्भुत किला छोड़ गए हैं। बस अब मैं उसी की जांच कर रहा हूँ। किला ढोलकपुर में? कब से मेरा सपना है कि मैं एक सुंदर होटल खड़ा करूं और अपने हाथ से बनाया खाना सबको खिलाऊं। हाँ हाँ, मेरा रहना भी आसान हो जाएगा है? चलो मैं अभी आपको किला दिखाता हूँ। अरे मेरे लड्डू कहाँ गए? मुझे पता था तुम यही होगे। भीम, राजू और जग्गू सुबह से गायब हैं। अभी मौसी एक किले के बारे में बात कर रही थी, शायद राजू और जग्गू भी वही होंगे। चलो। आओ आओ सभी आओ, किला भी देखो और लड्डू भी खाओ। ये देखो राजू यहाँ आया था। यहाँ कुछ गड़बड़ है भीम। क्यों, डर गए चिटकी प्रोफेसर के पूर्वजों के भूत से? कालिया, भूत जैसा कुछ नहीं होता, पर कुछ अजीब तो है इस जगह में। ये सब तो हमारे अड्डे को होटल बनाने में लगे हैं। चिंता मत करो, आज रात को ही सबको डरा के भगा देते हैं। चलो। कालिया। मुझे सोने दो। हाँ? कालिया? बात है, चोरी का माल यहाँ छुपा रखा है। और अब तुम भी कभी निकल नहीं पाओगे। मक्तूम! ये देखो राजू, जग्गू, इन गुंडों ने हमें कैद कर रखा था। हम भागने का रास्ता ही ढूंढ रहे थे। अब तो ये चोर भागने का रास्ता ढूंढते रहेंगे महाराज की काल कोठरी से। छोड़ दो मुझे, तुम मेरे सेवक हो, मैं कहता हूँ छोड़ दो अभी। बच्चों, इस जादुई दरवाजे के पीछे है एक अजूबा सोने का फूल। कल मैं अपनी प्रजा को भी इसे देखने का मौका दूंगा, और उस अवसर के लिए क्या तुम सब एक गाना प्रस्तुत कर सकोगे? महाराज, हम आपके लिए एक खास गाना लिखेंगे। महाराज, मेरी कविता तो सबको हिला के रख देगी। ढोलू बोलू। कालिया, सच में पूरी धरती हिल गई। चलो तुम बच्चों को भी वो अमूल्य रत्न दिखाता हूँ। महाराज, यहाँ तो कोई भी आ सकता है। चिंता मत करो राजू, ये दरवाजे का दर्पण जादुई है, पहचाने चेहरों के लिए ही खुलता है। महाराज, बच्चों, आपका स्वागत है। ये
सही मौका है रत्न को चुराने का। जो और सो, चलो। मैं आपका सिपाही नहीं, डाकू शेर पंजा हूँ। और हम हैं कराटे के उस्ताद, जो हुआ और सो हुआ। चुप रहो, मैं तुम सबको अभी दिखाता हूँ, रत्न मेरा ही होगा। इतनी जल्दी क्या है? तुम नहीं जानते तुम किससे टकरा रहे हो बच्चों। मैं हूँ डाकू शेर पंजा। और हम हैं ढोलकपुर वासी। भागो भागो। मैं भीम को नहीं छोड़ूंगा। भीम, तुम्हारी बहादुरी का सच में कोई जवाब नहीं। महाराज, मैंने भी इतना मारा। आंख बंद करके मारते हो कालिया, हाँ? चलो बच्चों, अब देखते हैं सोने का फूल। महाराज को यकीन कब होगा कि मैं ही हूँ ढोलकपुर का शूरवीर? अकेले अकेले कहाँ की तैयारी है? सेनापुर गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, वहीं जा रहे हैं। मेला? चलो हम भी साथ चलेंगे। दिशा में हम मुड़ नहीं पाएंगे। ये हम कहाँ आ गए? अब आ ही गए हैं तो जरा घूम कर देखा जाए। जगह है? आप उल्टे क्यों लटके हुए हैं? आज सुबह जब मैं उठा तो दुनिया उल्टी खड़ी थी। तब से मैं दुनिया को सीधा देखने के लिए यहाँ से लटका हूँ। Thank you.
काश कि रोज माँ खाने में मक्खन वाले पराठे बनाए, कितना मजा आ जाएगा ना जग्गू। आज तो हमने भी बढ़िया खाना खाया है ना बोलू। पनीर मक्खन और पुलाव। पनीर मक्खन, मेरे नसीब में सिर्फ करेला लिखा है। क्या हुआ कालिया? 3 दिन से घर में सिर्फ एक सब्जी बन रही है, करेला। मगर कालिया, तुम्हारे घर में और कोई सब्जी क्यों नहीं बन रही? इस बार बगीचे में सिर्फ करेला उगा है और करेला सेहत के लिए अच्छा होता है, तो माँ अब रोज करेला ही बनाएगी। करेले की कड़वाहट, अगर मुझे एक और दिन भी उसे खाना पड़ा तो मैं खुद एक करेला बन जाऊंगा। कालिया तो सच में बहुत परेशान हो गया है। कालिया, तुम हमारे घर का खाना खा सकते हो। अगर मैं घर पर नहीं खाऊंगा तो माँ मुझे बहुत डांटेंगी। एक आइडिया है उस्ताद, जिससे माँ भी खुश और आप भी। क्या? वो पुरानी पहाड़ी के पास आज एक टूटा तारा गिरने वाला है, उस टूटते तारे से जो भी मांगो मिल जाता है। हाँ उस्ताद, आप कुछ ऐसा मांगना जिससे करेला रहे ही ना। हाँ चलो चलो, मुझे एक आसान रास्ता पता है जिससे हम जल्दी पहाड़ तक पहुँच सकते हैं। चलो चलो। मेरा तारा, सिर्फ मेरा, मैं पकड़ूंगा। कालिया रुको। मैं तुम्हें उठाऊंगा। भीम, जल्दी, टूटा तारा टूटने में बस 2 मिनट हैं। ये लो भीम। वाह भीम, वाह। कालिया, वो देखो टूटता तारा। मैं हर तरह का स्वाद चख सकूं, सब कुछ पहले जैसा कर दो। नहीं, मुझे अभी भी करेले नजर आ रहे हैं। कालिया, जी भर के लड्डू खा लो। वाह, लड्डू का मीठा मीठा स्वाद। पर याद रहे, घर जाकर करेले की सब्जी भी खानी है। सब्जियाँ कड़वी हो या मीठी, हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, इसीलिए हमें हर सब्जी खानी चाहिए दोस्तों। भीम, मैंने सुना है कि लाल पहाड़ का किला जादूगरनी का घर है। ये लाल पहाड़ कहाँ है? जंगल के उस पार। जब तक वो जंगल के उस पार है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जंगल के इस पार भी आ जाए तो मैं उससे आराम से निपट लूंगा। सीधे खड़े रहो। अरे वो देखो कालिया, ढोलू भोलू की तस्वीर बना रहा है। और कितनी देर लगेगी कालिया उस्ताद? हमें तस्वीर देखनी है। और हमें भी। बन गई तस्वीर। कैसी लगी? ये भी कोई तस्वीर है, इससे तो कागज खाली अच्छा था। अगर खुद को बहुत बड़ा चित्रकार समझते हो राजू, तो ये लो,
खुद ही बनाकर दिखाओ। चलो अभी दिखाता हूँ। अरे वो चित्रकार, तस्वीर बनानी है, नाचना नहीं है। तस्वीर कैसी लगी? ये हुई ना बात, तुमका छुपे रुस्तम निकले राजू। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जरूर इसने चित्र बनाना सीखा होगा, वो तो मैं भी सीख लूंगा। तो पहले सीख कर आओ बड़े आए। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ, लगता है बातों बातों में हम रास्ता भटक गए हैं। पर ये तो वही जगह है जहाँ हम कुछ देर पहले आए थे। मतलब अब हम सचमुच गुम हो गए हैं? सूरज भी डूब गया, अंधेरा हो रहा है। रात में जंगल में शेर, बाघ, चीता ऐसे जानवर तो निकल ही आते हैं, पर मुझे ना भूतों का ज्यादा डर है। देखो वहाँ उस तरफ कुछ हल्की रोशनी दिखाई दे रही है, वहाँ चलकर देखते हैं। रेलवे स्टेशन यहाँ बिराने में? अंदर जाकर पूछते हैं। सुनिए, क्या आप हमें यहाँ से ढोलकपुर का रास्ता बता सकते हैं? ट्रेन पर चढ़ जाओ। ट्रेन? यहाँ तो कोई ट्रेन नजर नहीं आ रही। ढोलकपुर और ढोलकपुर ज्यादा दूर नहीं, मुझे लगता है हम कुछ ही मिनट में ढोलकपुर पहुंच जाएंगे। ये ट्रेन अब कहाँ रुकेगी? ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। टूटा पुल? पर वो तो ढोलकपुर से उल्टी दिशा में पड़ता है। पर अगर पुल टूटा है तो ट्रेन उस पर से कैसे जा सकती है? ट्रेन नहीं रुकेगी, ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। ट्रेन के इंजन के पास चलते हैं, शायद वहां जाकर हम ट्रेन को रोक पाए। चलो। ट्रेन नहीं रुकेगी। कालिया, राजू, तुम इंजन की तरफ चलो, इन्हें मैं रोकता हूँ। अरे बच्चों आओ आओ। टुनटुन मौसी, आज आपने हमें सुबह सुबह क्यों बुलाया? तुम्हें ये नए खास लड्डू खिलाने के लिए। खास? ये तो पुराने लड्डू की तरह ही तो दिखते हैं। खाओ खाओ, खुद पता चल जाएगा। अरे ये कागज कैसा?
किस्मत की पर्ची है भीम, इसमें जो भी लिखा होगा वो सच होगा। किस्मत का तारा बुलंदियों पर चढ़ता जाएगा, सूर्य के प्रकाश के समान तेज बढ़ता जाएगा। भीम, क्या बात है? दौड़ा भागी की जहमत होगी, आने वाले वक्त में मेहनत होगी। मेहनत के लिए तैयार हो जाओ चुटकी। सब शांत हो जाओ, मैं अपनी किस्मत की पर्ची पढ़ रहा हूँ। है ऐसा संयोग कि सब कुछ होगा अच्छा, पर ऐसे संयोग को धो नहीं देना बच्चा। अरे वाह कालिया, तुम्हारी किस्मत तो चमकने वाली है, अब तुम्हारे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ बकवास, ये किस्मत लड्डू कोई सच नहीं होने वाले। चलिए काका, चलो यहाँ से। क्या खुशबू है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो मुझे दुख रहा है, ये क्या हो गया? अरे मेरी टांग पर किसकी टांग है? रुका, छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? सफेद चादर में लिपटा देखा और उसे लगा कि कोई भूत है। ये बढ़िया आइडिया है, क्यों ना हम भूत बनकर और लोगों को डराए। ये जगह सही होगी, ये खाली रास्ता कई ग्वाले इस्तेमाल करते हैं। चलो बस यही। मीठा? हाँ मेरे पास मीठा है। हाँ बेसन के लड्डू सब ले लो, बस मुझे जाने दो। क्या खुशबू है, बोलो बोलो, हमारी तो मीठी लॉटरी लग गई। सुहाना दिन है, आज तो सबके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। भीम शायद तैयार हो गया होगा, मैं सोच रही थी कि आज हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। हाँ, पर पहले भीम से मिल तो ले, उसके बाद बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। भीम जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो अब तक घोड़े बेचकर सो रहा है। उठो भीम, तुम देर करोगे तो पूरे दिन का प्लान चौपड़ हो जाएगा। उठो भीम। भीम उठ क्यों नहीं रहा? रुको मैं पानी लाता हूँ। भीम उठो भीम। हमने सोचा कि तुम घूमने जाने के लिए तैयार रहोगे। वो सब तो ठीक है, पर कृपया करके हमें बताइए कि आप सब हैं कौन। ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम हम सबको नहीं जानते। और हम कौन हैं? तुम्हें क्या हो गया है भीम? भीम, इसका मतलब ये हुआ कि हम भीम हैं। धन्यवाद हमें हमारा नाम बताने के लिए। और आप सब कौन हो? हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम सब मिलकर बाहर जाने वाले थे। अच्छा, क्षमा कीजिए, पर हम अनजान लोगों के साथ बात नहीं करते। तुम हमसे इतने अजीब तरह से बात क्यों कर रहे हो? आप क्षमा, इतना आदर तो सिर्फ हम उस्ताद का करते हैं। और क्या तुम्हें हम सब भी याद नहीं है?
मैं चुटकी, यह राजू, कालिया, ढोलू भोलू और मैं जग्गू। अब क्या तुम्हें हम सब याद आए? आए, आए? नहीं दोस्त, पर हमें आप सब बहुत अच्छे लगे, बहुत ही प्यारे। कोई बात नहीं भीम, सब याद दिलाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ भीम। अच्छा ठीक है। सबसे पहले हम भीम को कहाँ ले जाएं ताकि उससे हम सब झट से याद आ जाए। अरे उस भूत को मीठा चाहिए था। शुक्र है कि मेरे पास जलेबी थी। मैंने सारी जलेबी उसे दे दी और वहाँ से भाग लिया। पता नहीं मेरे पास जलेबी ना होती तो क्या होता। मुझे भी भूत ने डराया मीठे के लिए। मैंने तो हलवे का डब्बा रखा और भागा वहाँ से। हमें सावधान रहना होगा। आज से तो मीठा लेकर ही घर से बाहर निकलो। कहीं वो मीठा खाने वाला भूत फिर आ गया तो क्या करेंगे? यही अजीब बात है, भूत सब लोगों से मीठा ही मांग रहा है। लगता है इस भूत को मीठा बहुत पसंद है। लगता है तुम्हें किसी पे शक है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे उन दोनों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। किन दोनों पर टुनटुन मौसी? उन बदमाश ढोलू और भोलू पर। उन दोनों ने आपसे झूठ बोला? हाँ, और मेरे लड्डू भी चुरा लिए। चलो ढोलू भोलू। ये सफेद चादर लेकर कहाँ जा रहे हैं? वही तो हमें पता करना है चुटकी। चलो। कालिया, ढोलू भोलू, ये कभी नहीं सुधरेंगे। भीम, सभी गांव वाले डर कर घर में बैठ गए हैं। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तुमने सही कहा चुटकी, इन तीनों को गांव वालों को डराने से रोकना ही होगा। मेरे पास एक बड़ा ही मजेदार तरीका है। हो गया जग्गू, मैंने सारी चीजों पर काले धागे बांध दिए हैं। अंधेरे में ये काले धागे नहीं दिखेंगे और ऐसा लगेगा चीजें खुद ब खुद हवा में उड़ रही हैं। आज रात तो लड्डू का त्योहार होगा। दरवाजा किसने बंद किया? छोड़ो दरवाजे को, यहाँ कोई नहीं है। चलो लड्डू ढूंढते हैं। कहाँ गए लड्डू? चलो, ये भूत तो चला गया। पकड़ो उसे। चाचा, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। देखा, गलत पैतरे और गलत रास्ता कभी भी सही नहीं होता। सही कहा भीम, अच्छा सबक सिखाया है तुमने कालिया और ढोलू भोलू को। सब भूतों के राजा का कमाल है, अब कालिया और ढोलू भोलू कभी सफेद कपड़े नहीं पहनेंगे। Never backs down. Kakalia, never backs down. It's Kakalia, never backs down. Kakalia, never backs down.
yeah, go, 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 hands up, just shimmy yeah, move, say, hey, for the street, high five, for spots, I can live and steal your heart. I'm here to my beat, oh yeah, what can I say, I'ma play game. Do you feel fuck this in the air? Clap, 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 it's a Kaliyah day.